एक्सिस बैंक के एटीएम से प्रत्येक विड्रॉल पर 600 रुपए अधिक निकल रहे, यह खबर लोगों को पता चलते ही लोग पैसे विड्रॉल करने एटीएम सेंटर में पहुंचे। यह सिलसिला बुधवार की रात से शुरू हुआ है। गुरुवार के दोपहर 12:30 बजे तक सिलसिला चल रहा था। इस अवधि के दरमियान लोगों ने हजारों रुपए निकाल दिए। हर व्यक्ति 10-10 एटीएम देकर एटीएम सेंटर पहुंचे और रुपए निकालते रहे। 1000 रुपए के विड्रॉल पर 1600 रुपए और 500 रुपए के विड्रॉल पर 1100 रुपए निकलते रहे। एटीएम सेंटर के बाज में श्रीराम एंटरप्राइजेस में जाकर कार्ड धारक एटीएम से निकाले पैसे अकाउंट में ऑनलाइन जमा कराकर फिर एटीएम से पैसे निकाल रहे थे। ऐसे लोगों में चर्चा शुरू थी। इस घटना की जानकारी लोकमत पत्रकार अरुण महाजन को पता चली और इस घटना की जानकारी उन्होंने पुलिस हेड कांस्टेबल राजू भोयर को दी तथा एटीएम सेंटर पहुंचकर सेंटर बंद करवाने को कहा। वे एटीएम सेंटर पहुंचे, उन्होंने भीड़ को खदेड़कर एटीएम सेंटर बंद करवाया। इससे पूर्व 15 जून 2022 को इसी एटीएम में 1000 रुपए के विड्रॉल पर 2000 रुपए निकल रहे थे। उस समय भी पत्रकार अरुण महाजन को इस घटना का पता चलने के बाद पुलिस को बुलवा कर उन्होंने एटीएम बंद करवाया था। बताया जा रहा है कि एटीएम मशीन के अंदर रखे जाने वाले पैसे की ट्रे में 100 रुपए की ट्रे की जगह 500 रुपए की ट्रे रखे जाने से विड्रॉल पर ज्यादा रकम निकल रही थी, ऐसा जानकार सूत्रों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ इसी तरह का मामला आज गुरुवार को सामने आया है। इस संदर्भ में एक्सिस बैंक के एक मैनेजर से बात करने पर उन्होंने बताया कि एटीएम का काम एक प्राइवेट कंपनी एजेंसी को दिया गया है। एक्चुअली एटीएम में मामला ऐसा हुआ है कि सुबह मुझे 11:30 बजे एक फोन आया कि एटीएम सेंटर में लोगों की भीड़ लगी हुई है और 1000 रुपए पे 600 रुपए ज्यादा निकल रहे। 15 जून 2022 को कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था, तो वहाँ पे तब वही एटीएम सेंटर में एक्सिस बैंक का एटीएम है खापरकेड़ा में, वहाँ पे 1000 रुपए के बदले में 2000 रुपए निकल रहे थे। तो वैसा ही सेम मामला अभी सामने आया, तो मैंने तुरंत ही फिर खापरकेड़ा पुलिस थाने के राजू भोयर को फ़ोन किया और उनको कहा कि ऐसा ऐसा मामला सामने आया है, आप जाके वो एटीएम सेंटर बंद करवा दीजिए। तो वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने एटीएम सेंटर बंद करवा दिया। एक्चुअली ये होता ऐसा है कि एटीएम सेंटर में पैसों के नोटों का ट्रे रखा हुआ होता है और 500 का ट्रे, 2000 का ट्रे, 100 रुपए का ट्रे, ऐसे अलग अलग ट्रे लगे हुए होते हैं। तो जब एटीएम मशीन में वो ट्रे में पैसे रख के लोड किए जाते हैं तो वहीं पे गलती हो जाती है, 100 रुपए के ट्रे की जगह 500 का ट्रे चला जाता है। इस कुछ इसी तरीके की घटना हुई और 1000 रुपए पे 600 रुपए ज़्यादा निकल रहे थे। आज वैसे 2000 का विड्रॉल करो तो 2600 रुपए निकल रहे थे, 5000 का विड्रॉल करो तो 600 रुपए ज़्यादा उसमें हर विड्रॉल पे निकल रहे थे। कुछ इस तरीके की घटना आज सामने आई। एनबीसी न्यूज़ के लिए खापरखेड़ा से दिलीप गजबे की रिपोर्ट।